अपनी सारी मुरादें अपने माँ बाप से मांगा है, तो अब अगर जवानी की इस हद को पहुंच गया हूं कि मुझे दुल्हन चाहिए, तो फिर मैं इसमें शर्माऊं क्यों, जब मैंने बुक्स उनसे मांगी है, पेंसिल उनसे मांगी, जिंदगी की हर खुशी उनसे मांगी है, तो मैं माँ बाप से क्या दुल्हन नहीं मांग सकता? ये कोई ऐब नहीं है, इसमें मत शर्माओ। क्यों शर्मा करके झूठे मुत्तकी बनते हो, गटरों में जवानी जाय करके, अपनी सेहत को जाय करके? आप आगे उस पोजीशन में आप हक से कहो, अम्मा मेरी शादी कर दो, मैं उस मंजिल पे पहुंच चुका हूं। और माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद की जल्दी शादी करो, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद अपना सरमाया गटरों में बहा करके नामर्दगी की नामर्दानगी की मंजिलों में पहुंच जाए। तुम अपने बच्चों की शादी कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तीन चीजों में ताखीर मत करो, जनाजा तैयार हो दफन में ताखीर मत करो, नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ने में ताखीर मत करो, बेटा बेटी बालिगा हो जाए तो उनकी शादी करने में ताखीर मत करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते कयामत के दिन कुछ लोगों के हाथ जो है वो हमला होंगे, और वो कयामत में हाथों को पे हमल लेकर के आएंगे। लोग उनसे हैरत से कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, हाथों पर हमल क्यों है? तो अल्लाह कयामत में फरमाएगा, ये अपने हाथों से अपनी ताकत को जाय करते थे, ये मुश्त जनी करने वाले लोग थे, ये हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, और इसका बड़ा नुकसान है पागलपन और खुदकुशी। खुदकुशी समझते हैं, जो एक बार खुदकुशी करेगा मरने के बाद वो चैन से कब्र में नहीं सो सकता कयामत तक, जिस तरह से वो खुदकुशी करेगा वही अजाब उसको दिया जाता रहेगा। निकलो, तौबा करो। लोग सोचते हैं ये फेल भी नहीं छूट सकता, सब छूट सकता है। गंदी पिक्चरें देखना छोड़ो, गंदी सोच निकाल दो दिलो दिमाग से, गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, तन्हाई छोड़ दो। एक खुद एतमादी, याद रखना एक जुमला मेरा, मेरा जो भाई नशे में हो या इस बुरे काम में हो, अगर इससे निकलना चाहता है तो मैं उसको एक जुमला कहना चाहता हूँ, हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मरतबा हिम्मत हारने से नुकसान होता। हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। अगर आप इस फेल में बद में मुब्तला हैं, अब हमारे पास आइए। आप नशे में ना, आपको कोई सीने नहीं लगाता। सुन्नी दावत इस्लामी गुनहगारों को सीने से लगाने की तहरीक है। हम मुत्तकियों को कम, हम गुनहगारों को ज्यादा तलाश करते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल के यहां सबको सीने लगाया जाता था, जहां किसी की कोई जहां नहीं चलता था वो मुस्तफा जाने रहमत के यहां चलता था। किसी ने कहा है वही सुनते हैं बोलियां समझ वो सबकी, वो समझते हैं वो वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ 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 बाजार मुस्तफा को चले, हम जैसे खोटे सिक्के वहीं भी चलते हैं, खोटे सिक्के वहां चलते हैं। तो याद रखें, हमें ये दर्श दिया गया है कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो। तहदी से नेमत के लिए कहता हूं, अल्लाह का फजल है दर्जनों जवान ऐसे शहर भर के, क्या बल्कि मैं जहां जहां दौरे पे गया कई जवान मुझे ऐसे मिले, आकर के आंसू बहाया, मैंने उनके सर पे हाथ रख करके कहा तौबा कर ले, इंशाल्लाह सच्ची तौबा कर, तौबा की बरकत से खुदा तुझे सेहत देगा। कई जवान अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा की और फेले बद से निकले, और खुद एतमादी के साथ आज वो अपनी जिंदगी को गुजार